हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वंस अगेम आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो विच विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पोर्सन ऑफ योर चैप्टर द लास्ट स्टोन मैसन पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ये कितनी अच्छी और कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक ओल्ड मैन है जो स्टोन uh, कारवर है इट मीन्स स्टोन मैसन है जो मूर्तियों को बनाता है और वो सिर्फ टेम्पल्स के लिए मूर्तियाँ बनाता है और उसी जगह पर जो उसका बेटा था जिसका नाम गोपाल था उसे इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि इस काम को करने से हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता और ये रियलिटी भी है कि आज के ज़माने में हैंडी जो हाथ से बने हुए सामान होते हैं उनको तवज्जो कम दी जाती है उनका जो डिमांड होता है वो बहुत कम होता है इन विथ रिस्पेक्ट टू जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनको हम काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं तो उसका बेटा भी आगरा चला जाता है आर्टिफिशियल चीज़ों को बनाने के लिए जैसे एश ट्रेज हो गए और uh, uh, कुछ और चीज़ें थी जिनको वो बना करके पैसे ज़्यादा कमाना चाहता था ठीक है इसके बाद जो स्टोन में था वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था सोचता रहता था कि मेरा बेटा अगर होता तो मुझे मूर्तियाँ बनाने में हेल्प करता ठीक है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक अदर कैरेक्टर है जो सलीम है जिसका नाम सलीम है और वो ओल्ड मैन का सर्वेंट है ठीक है वो भी उनसे बातें करता है उनको चाय पिलाता है खाना देता है ये सारी काम वो करता था, रहता था ठीक है धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जो बूढ़ा आदमी था अब उसके हाथ पैर काम करना उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते थे ठीक तो एक दिन क्या होता था कि वो लोग बात करते हैं और मास्टर जी जो मतलब जो ओल्ड मैन थे सलीम को बताते हैं कि ये जो काम है मूर्ति का काम करना ये आदमी के अंदर होता है ठीक है जो फेस का बनाना फेस को बन मतलब जो फेस की डिज़ाइन होती है वो उसको बनाना इसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है आदमी जो भी लर्नर है या फिर जो सीखना चाहता है अगर उसके हार्ट में है अगर वो मन से करता है तो वो खुद ब खुद बन जाता है ठीक है तो ये बातें हो रही थी इसके बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा सलीम विस्पर्ड बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इन साइड यू तो सलीम ने कहा कि आप इस पूरे एरिया के इस पूरे इंडिया के सबसे बढ़िया क्या है स्कल्प्टर है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इन साइड यू क्योंकि ये आपके आ, मन की गहराई से आता है ठीक है मन की गहराई से का मतलब आप दिल से काम करते हैं ठीक है उसके बाद यू आर राइट सलीम एंड देन द ओल्ड मैन एडेड तो ओल्ड मैन कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो एंड इफ यू डोंट हैव इट इनसाइड यू देन यू वुड बेटर गो टू आगरा एंड मास प्रोड्यूस एस्ट्रेज फॉर द टूरिस्ट ठीक है और अगर आप ये नहीं कर सकते आपके अंदर वो नहीं वो बात नहीं है तो ये बेहतर है कि आप चले जाइए आगरा और आर्टिफिशियल चीजों को बनाइए जिससे कि आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं ठीक है द बॉय आज मास्टर जी टू ईट एंड आफ्टर फीलिंग अ लिटिल बेटर द ओल्ड मैन पिक्ड पिकड अपल अगेन एंड वर्क लेट इन द नाइट इन दोज डेज ही दो अलॉट प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ एंड ही प्रेड फॉर हिज सन इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चीजल फेल फ्रॉम द ओल्ड हैंड द हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड ही फेंटेड ठीक है इसके बाद जो लड़का था सलीम वो मास्टर जी को ओल्ड मैन को खाने के लिए कहता है इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब ओल्ड मैन काफ़ी बेहतर महसूस करने लगते हैं तो वो चीज़ल और हैमर को फिर से एक बार उठाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं आधी रात तक देर रात तक वो काम करते रहते थे और उन दिनों वो प्रार्थना बहुत करते थे तो इस समय वो अपने बेटे के लिए और हेल्प uh, के लिए स्ट्रेंथ के लिए अपनी ताकत के लिए वो प्रे करते थे भगवान से सॉरी इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चीजल फेल फ्रॉम द ओल्ड मैन हैंड एंड हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड ही फेंटेड बहुत मतलब अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी ही सुबह जो भोर होती है भोर के समय में उनके हाथों से वो जो चीजल था और हैमर था छूट गया और वो बेहोश होकर के गिर गया ओल्ड मैन ओपन हिज आइज ही कॉट इन हिस्स बेडरूम जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्होंने देखा कि वो अपने कमरे में खटिए पे चारपाई पर लेटे हुए थे कवर्ड बाई अ लाइट कॉटन ब्लैंकेट उनके ऊपर हल्का सा ब्लैंकेट था फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग एराउंड ऑफ द चीजल रीचेज हिज ईयर रीच्ड हिज इयर हिस्सेंड करेक्टली अब इसके बाद उनके कार्यशाला से जहाँ पर वो काम करते थे वहां से चीजल का आवाज़ आ रहा था चीजल के चलने की आवाज़ तो वो खट खट की आवाज़ आ रही थी तो आ, उस आवाज़ को सुनने के बाद वो कहते क्या ये मतलब क्या ये सही है क्या आ, मतलब उस आवाज़ को वो बिलीव नहीं करते हैं ठीक है ही कुड हियर इट अगेन फिर से उनको वो आवाज़ सुनाई देती है स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द हैमर ऑन द टॉप ऑफ द चीज़ल जब हैमर से चीजल के ऊपर मारते तो जो आवाज़ आती उस आवाज़ को उन्होंने सुना गोपाल ही वॉज बैक गोपाल had returned. He should help him. They would finish the statue together. Weekly he walked to the door. Gopal, ठीक है अब इसके बाद उन्हें लगता है कि उनका जो बेटा गोपाल है वो वापस आ गया है तो उन्होंने लगा कि मुझे भी जाकर के उसकी हेल्प करनी चाहिए हम दोनों मिलकर के इस मूर्ति को बना सकते हैं बनाएंगे जल्दी से ठीक है ऐसा सोचते हुए वो दरवाजे तक जाते हैं और गोपाल बोलने की कोशिश करते हैं ही वॉज अबाउट टू से गोपाल गोपाल uh, ही about अबाउट अबाउट टू से बट froze फ्रोज ऑन lips. वो गोपाल कहना चाहते थे लेकिन रुक गए नो ही वॉन्टेड टू क्राई आउट वर्क नो मतलब तेजी से जब उन्होंने देखा कुछ ऐसा देखा जिससे उन्होंने उन्होंने क्या कहा नहीं रोको इस काम को रोको रुक जाओ बट ही कूडंट मूव एंड स्टूड स्टेयरिंग एट यंग स्टोन कारवर वर्किंग एट द फेस ऑफ द स्टैचू लेकिन जो वहां पे काम कर रहा था उसके गुणवत्ता को देखते हुए उसके आ, पोटेंशियल को देखते हुए वो रुक अपने आप को रोक लिया उन्होंने वो एक मतलब एक निगाह से एक टक लगाए उसके काम को देख रहे थे दे गोपाल वो गोपाल नहीं था कौन था फिर बट सलीम वो कौन था सलीम जो उनका सर्वेंट था हिज सर्वेंट द ओल्ड मैन वॉस्ड स्टंट अनेबल टू स्पीक जो बूढ़ा आदमी था वो देख रहा था बिलीव नहीं हो रहा था उसको कि सलीम भी ऐसा कर सकता है एंगर गेव टू फीलिंग ऑफ एडमेशन हाय राम ठीक है अब जो गुस्सा था वो धीरे धीरे एडमिरेशन में बदल गया एडमिरेशन का मतलब एप्रीशियेशन ठीक है वो मतलब उसके काम को देख करके खुश हो रहे थे हाय राम द ओल्ड मैन विस्पर्ड फाइनली वेन द वीकनेस हैड लेफ्ट हिम ही वॉकड ओवर टू द बॉय पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर सलीम द बॉय स्टार्टेड ही रिटर्न लुकिंग एट हिज मास्टर इसके बाद जब वो वहाँ पे खड़े हुए थे थोड़ी सी उनको ताकत हुई तो वो चल करके सलीम के पास जाते हैं उनके उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं सलीम जैसे उन्होंने सलीम बोला तो लड़का पीछे मुड़ता है और और मतलब फिर अब आगे वो हड़बड़ाते हुए हकलाते हुए बोलेगा आई आई ओनली वॉन्ट टू हेल्प विस्पर्ट द बॉय आई आई विल लर्न इफ़ यू टीच मी मास्टर जी I have been practicing secretly for almost आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली I ऑलमोस्ट टू ईयस इन द क्वेरी आई नो आई शुड नॉट है जी दिस इज स्कल्प्ट isn't it? ठीक है तो वो क्या कहता है कि बच्चा जो सलीम था वो लड़का वो डर सा गया और वह हड़बड़ते हुए कहता है कि आ, मैं आपको केवल हेल्प करना चाहता था मैं आ, मैं सीखना चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाएंगे मास्टर जी मैं हमेशा मतलब दो सालों से छुप छुप करके इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था क्वेरी जहाँ पर क्वेरी एक ऐसा जगह पर है जहाँ से स्टोन निकाला जाता है ठीक है देखिए देखिए मैंने ये स्कल्प्टर बताया बनाया क्या ये औरों से डिफरेंट नहीं है ठीक है इसके बाद देखिए द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड अगेंस्ट इज शोल्डर एंडवर्ड तो जो बूढ़ा आदमी था सलीम का सर पकड़कर अपने कान के पास लाता है ठीक है देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू माई सन गो एड यू हैव इट इन योर हार्ट आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन इंडिया हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको सिखाने की जरूरत है सब कुछ तुम्हारे हार्ट में है सब कुछ तुम्हें आता है तुम एक दिन इंडिया के सबसे अच्छे मूर्तिकार बनोगे ठीक है तो ये स्टोरी थी ओके उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया है आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए जिससे कि सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाए फिर नेक्स्ट डे से हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे ओके स्टूडेंट्स टिल देन थैंक यू एंड हैव नाइस डे गुड बाय